देखिए साहित्य आज तक में, हालांकि ये हमारा 6th एडिशन है साहित्य आज तक, और पहली बार ऐसा हुआ है कि जब हमने ओटीटी स्टेज बकायदा बनाया हो। जाहिर सी बात है ओटीटी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है, इसके शोज की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि इसलिए हमने अलग से ये स्टेज ही बनाया ताकि लोग आ सके और आप लोगों से मुलाकात कर सके जो कि आज के स्टार्स हैं, द रियल स्टार्स ऑफ टुडे। तो ऐसे में श्रेयांश ये बताइए कि जब आपके सामने कोई थॉट की अगर हम बात करें, पहला थॉट जो आता है शो को लेकर के, तो आप अगर टीवीएफ के बारे में सोचते हैं कि टीवीएफ पे इसको लाना है, तो ओरिजिनलिटीज के साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी बात तो नहीं होती कि वो भारत से या फिर यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का जो समाज है उससे वो रिलेटेड हो वो स्टोरी कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके जितने भी स्टोरीज, बीट कोटा फैक्ट्री भी मैंने देखी, तो आज के समय में हर दूसरे दिन खबर आ रही है। हालांकि ये इट्स अ सैड न्यूज कि 24 बच्चों की मौत हो गई है इस बार, सुसाइड उन लोगों ने कर लिया है कोटा में बिकॉज ऑफ द प्रेशर एंड ऑल। तो जो वहां की स्टोरी भी आपने उठाई है और जिस तरीके से आपने उठाई है वो भी अपने आप में लोग रिलेट कर रहे हैं और इसलिए प्यार भी आपको बहुत मिला कोटा फैक्ट्री को लेकर। नहीं, ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि दो चीजें हम जब भी कोई कहानी बताने जाते हैं, या अगर आपके दिल में कोई एक आइडिया है और आप उसको एक कहानी के फॉर्म में सुनाना चाहते हैं ऑडियंस को, तो दो चीजें हैं जो आपको हमेशा ही ध्यान रखनी चाहिए। नंबर वन, एक तो आपको डरना नहीं चाहिए इस बात से कि यार किस तरीके से ये मैं फिट करूं कि हाँ ये ऑडियंस को अच्छी लग जाए, है ना। ये मुझे लगता है कि काफी बड़ा ट्रैप होता है जब हम एक अपने आइडिया को ही उस तरीके से तोड़ना मरोड़ना चालू कर देते हैं कि यार समहाउ ये ऑडियंस को पसंद आ जाए। मुझे लगता है वो कभी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी, जितना आप ऑनेस्ट हो सकते हो, मुझे नहीं पता कि इंडिविजुअली वेरी करता है हर किसी के लिए, बट सबसे पहले बहुत जरूरी है कि आप अपने उस आइडिया को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर लें ऑनेस्टी के साथ। बिल्कुल भी उस चीज से ना डरें कि अरे ये शायद किसी भी चीज के सिमिलर नहीं है, बिल्कुल अलग है इसलिए सही है, या फिर नहीं नहीं ये इन चीजों के तो जैसा ही है इसलिए सही है। ये दोनों फॉर्मूले ही बहुत गलत होते हैं और ये दोनों फॉर्मूले डायरेक्टली आपकी ओरिजिनलिटी को किल करते हैं। तो ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि आप शायद सबसे अलग हैं इसलिए ओरिजिनल हैं, और या फिर आपके पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला है जिसपे बिठा देंगे तो ये ओरिजिनल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इन 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 ख्यालों से थोड़ा बचना चाहिए शुरुआती दिनों में जब आप एक आइडिया एक्सप्लोर कर रहे हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि उसका पर्सनल होना और आपकी क्या सोच है उस मुद्दे पे वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। हम सब पढ़ाई के प्रेशर में, आई थिंक हमारे देश का मिडिल क्लास पढ़ाई के प्रेशर में ही बड़ा हुआ है, अकेडमिक से आगे तो, बढ़ नहीं पाते पेरेंट्स, उनको लगता है बच्चा मतलब, पढ़ लिया तभी कुछ होगा जीवन में, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला, और तो, वो भी साइंस लेना जरूरी है। बिल्कुल, आर्ट्स लिया तो हो गया नहीं, इसीलिए हमने गुल्लक में छोटे बेटे को साइंस छोड़ के आर्ट्स दिलवा दिया बिल्कुल, क्योंकि वो दिली तमन्ना थी ऐसा होना चाहिए। बट मुझे लगता है कि यू नो बड़ा बड़ा जरूरी है कि आप जिस मुद्दे पे कहानी बोल रहे हैं उस पे आपकी खुद की एक सोच, खुद की एक कमेंट्री जरूर होती है, जो बात आपको कहनी चाहिए तभी वो आपकी अपनी आवाज होगी। अदरवाइज मतलब वो फिर कोई भी, मतलब किसी और की भी कहानी हो सकती है। अगर आप वो कहानी बता रहे हैं तो आई एम श्योर आपने कुछ ना कुछ उस मुद्दे पर कभी सोचा होगा, आपको शायद कुछ सही या गलत क्या लगता है वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको खुद के लिए भी कन्विंसिंग लगनी चाहिए, आपका ओपिनियन होना चाहिए। अगर उस चीज को लेकर के आपके पास एक ओपिनियन नहीं है तो आई थिंक मतलब वो बड़ी शैलो सी बात रह जाती है। बिल्कुल, डीएम साहब बड़े शांत से बैठे हुए हैं और कुछ सोच में भी है, तो एक डायलॉग हो जाए। नहीं नहीं, मैं शेरी को सुन रहा था। ऐसा नहीं, वो तो हम समझ रहे हैं, मैं लेकिन मैं, आपको अब सुनना चाहते हैं। आपने शो देखा है, मैं शो में भी बहुत ध्यान आप, आप इसी अंदाज में रहते हैं। आपने सीजन 1 देखा है ना? सब देखा है मैंने, सीजन 2 भी देखा है। मेरे संदीप भैया के साथ जितने भी सीन्स हैं वो बोल रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ। एग्जैक्टली, लेकिन मैं बहुत शिद्दत से कर रहा हूँ, मैं एकदम। या आपको बोला गया कि शांति से बैठे रहो, अभी कुछ बोलना नहीं,
नहीं बोलना नहीं, but I'm listening to him, no? So you are a good listener, that's why. I mean, not in real life, but is it? I mean, I don't know. So you are pretending. आप pretend कर रहे हैं यहाँ पे. I've been accused of this. अरे यार मुझे भी तो बोलने दो. मैंने कहा हाँ हाँ अच्छा अच्छा तो बोलो. He's a good actor in real life. Real life में अभी वहाँ तो मैं बहुत authoritative character भी play कर रहा हूँ ना. मैं real में वैसा नहीं हूँ. Real में तो मैं थोड़ा सा घबराया हुआ nervous आदमी हूँ. So is it? I mean, yeah. लगता तो नहीं. तो डीएम साहब मैं ये कह रही थी जो यहाँ पे तमाम दर्शक हमारे बैठे हुए हैं वो आपसे कुछ डायलॉग सुनना चाहेंगे, कोई एक आपका फेवरेट. आई एम स्टन्ड, यू हैव नो आइडिया बट इट्स माय डायलॉग. प्लीज आपको पता नहीं, नो आई दिस वाज माय डायलॉग फाइन, लेकिन मैं सुनना चाहती हूँ और कुछ जो सुना है, सो दैट आई कैन. दिस वाज माय डायलॉग राइट. वो तालियां बज गई, मैं समझ गई कि जरूर सुना होगा. दिस इज नॉट फिक्स्ड बट मेरे पास एक सॉल्यूशन है. ये डायलॉग नहीं है, ये सीजन वन में था, ये एंड में आता है, शायद आप लोगों ने सुना हो. दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा अब तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में. जोरदार तालियां. इससे पहले इनके सनग्लासेस डस्टबिन में गिरते हैं और ये वॉक करते हुए जाते हैं. अरे आई बीन अ बिग फैन भाई, एक बार मेरी तरफ से भी जोरदार तालियां. अरे कमाल की एक्टिंग डीएम साहब, कमाल की एक्टिंग एंड कमाल का टीवीएफ जिसने इस शो को प्रोड्यूस किया है, जिसकी वजह से लोग इतना प्यार आपको दे रहे हैं. तो आपसे श्रेयांश नहीं, उससे पहले आपसे धैर्य याद है या भूल गए? याद है धैर्य, धैर्य ना, धैर्य. हाँ हाँ मैं तो सीजन टू के अंत तक तो याद ही है. मैंने वहां से उठाया जहां से आपने डस्टबिन में वो सनग्लास छोड़ा है और ये डायलॉग मारा है. हाँ मुझे आप बताइए, मुझे धैर्य याद है या भूल गए? मुझे लगता है जब तक कोई दूसरा आएगा नहीं याद ही रहेगी. ऐसे ही होता है अक्सर. नहीं तो हाँ अभी तो याद है, आई हैव अ फीलिंग याद है, बाकी सीजन थ्री ये लोग बताएंगे. तो सीजन टू में आप ऐसे ही मिलते रहेंगे बीच बीच में? सीजन टू में हाँ हाँ. अभी जो आप, अभी मैंने शुरुआत की इसलिए मैं पहली मुलाकात की बात ही बता रही हूँ. अच्छा, जो आप गए हैं मिलने के लिए, लेकिन आप देखोगे खत्म होगा तो आपको समझ में आएगा कि ही इज नॉट कम्प्लीटली मूव्ड ऑन. क्योंकि उन्होंने पूछा था कि हैव यू मूव्ड ऑन. हाँ हाँ, ही आपने कहा या या, ही स्टक समवेयर देयर, ही इज नॉट रियली मूव्ड ऑन. Exactly. आप अच्छा प्रिटेंड कर लेते हैं. हाँ मतलब रियल लाइफ में बहुत प्रैक्टिस, रियल लाइफ में बहुत प्रैक्टिस करी. श्रेयांश अभी तक जो भी आपके ये क्रिएशंस रहे हैं, अगर उसकी मैं बात करूं तो उसमें आपका फेवरेट कौन सा रहा है, विच हैज बीन योर फेवरेट? ये बड़ा बहुत मुश्किल सवाल है. क्योंकि ऑफकोर्स गुल्लक, पंचायत, एस्पिरेंट्स, ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी. मेरा वैसे फेवरेट एक हमारा एक शो है सिक्सर, जो कि देखा है सिक्सर, कितने लोगों ने देखा है सिक्सर? देखा है. हाँ तो यार वो एक शो है हमारा जो कि गली में जो कॉस्को बॉल से क्रिकेट खेलते हैं उसके ऊपर है. और एस्पिरेंट्स में जो गुरी प्ले करते हैं शिवांकित सिंह परिहार, उन्हीं ने वो शो लिखा है और वही उसके लीड हैं. और मुझे लगता है कि वो टीवीएफ का पहला स्पोर्ट्स ड्रामा है. एक स्केल है एक कहानी का जो हम दिखाते हैं और वो बहुत ही मतलब मेरे लिए मेरे बचपन की बहुत सारी यादें ताजा करता है. जुड़ी हुई हैं. तो वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट शो होगा. एक और जिसको मैं बोलूंगा कि हमारा एक फैमिली शो है जिसका नाम है आम आदमी फैमिली, जो दिल्ली ऑफिस से हम बनाते रहे हैं.
उसका सीजन फोर है, उसका सीजन फोर अभी परसों जी फाइव पे रिलीज हुआ है. तो वो शो काफी स्पेशल है बिकॉज हमने टीवीएफ का दिल्ली ऑफिस ही खोला था और वहां पर वो शो है जो पहला शो बना था. तो बेसिकली बहुत सारी, मतलब आई थिंक जो लोग फिल्म मेकिंग परस्यू करना चाहते होंगे वो जानते होंगे कि बहुत सारे लोग बॉम्बे जाते हैं और वहां जाने के बाद जिस तरीके के स्ट्रगल होते हैं, जिस तरीके का रेंट होता है, बहुत बहुत सारी एक बड़ी तादाद है जो वापस आ जाती है. हमने ये सोचा कि यार हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि बहुत सारे लोग जो वापस आ जा रहे हैं और बहुत सारे लोग जो दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए अगर हम एक ऑफिस खोलें और मे बी फिर वो यू नो कुछ लोग मिलकर के आपस में बनाना चीजें चालू करेंगे और शायद एक दिन वो कुछ अच्छा हो जाएगा. आज बहुत अच्छा लगता है ये सोच करके कि एक छोटी सी टीम जो जिसको हम टीवीएफ दिल्ली ऑफिस बुलाया करते थे उसने एक पूरा चैनल जो कि द टाइमलाइनर्स के नाम से जाना जाता है, ऐसे शोज जिनमें आम आदमी फैमिली, फ्लेम्स, इंजीनियरिंग गर्ल्स, एस्पिरेंट्स, सास बहू आचार, ये बहुत सारे शोज जो उसी ऑफिस से बने हैं तो अच्छा लगता है. इसलिए वो सारे शोज, और आज दिल्ली में हूं तो इसलिए स्पेशली बोलूंगा कि वो सारे शोज स्पेशल.